वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्याज व्लॉग्स एंड आइडियाज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ आंवले और मिर्ची का अचार। तो उसके लिए मसाला सबसे पहले मैं बना लेती हूँ। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते इसमें। सौंफ ले लिया मैंने, मेथी दाना ले लिया और जीरा ले लिया है। मेथी दाना की क्वान्टिटी थोड़ी कम रहेगी बाकी चीज़ों से। इन सबको मुझे ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ही स्लो फ्लेम पर गाइस अच्छे से रोस्ट करना है कि जल नहीं पाए मसाला बिल्कुल भी हमारा। तो इसे तब तक रोस्ट करना जब अच्छी सी खुशबू आने लगे अचार के मसाले की। तो बस तब तक हमें फ्राई करना है। ये आंवले रखे हुए थे तो मैंने इसे कट कर लिया। मैंने इसे बॉयल नहीं किया, बस इसे पीसेस में कट कर लिए मैंने इसे, ये देखिए। और यहाँ पे मिर्ची मैंने ले ली है और ये मसाला मैंने आपको दिखाया भी जो मैंने रोस्ट किया हुआ है। सौंफ, राई थोड़ी सी है, मेथी दाना है और जीरा, इन चारों को मैंने रोस्ट कर लिया ड्राई रोस्ट। ये ठंडा भी हो गया तो इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मिक्स करूँगी। मतलब ये अचार मैं बनाऊंगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ। ये देखिए गाइस, हमारा ऑयल भी हो गया है तो इसमें हम आंवले को ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मसाले नहीं ऐड करेंगे और मिर्ची को भी नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ हम आंवले ऐड करेंगे। तो मैं गाइस इसी तरीके से बनाती हूँ आंवले का अचार। इससे अचार आपका ख़राब भी नहीं होता है गाइस और अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमें स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करना है, इससे आंवला हमारा सॉफ्ट भी हो जाता है। और हम मिर्ची को अभी ये नहीं ऐड करेंगे, मिर्ची को बाद में ऐड करेंगे क्योंकि मिर्ची को हमें फ्राई नहीं करना है, इससे हमारे आंवले जो है वो गल भी जाते हैं। आप देख रहे हैं गाइस, इसमें तेल देखिए आप, तेल हमने मैंने इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया है क्योंकि अभी हमको मसाले ऐड करने हैं इसमें, तो सारा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहले हम आंवले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे गाइस। अब देखिए थोड़ा फ्राई करने के बाद इसे फिर मैं कवर कर दूंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें कवर करना है। 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। गाइस मैं यहाँ पे ओपन करके देखती हूँ क्योंकि 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सॉफ्ट हो गया ये देखिए। देख रहे हैं आप, 2 मिनट में ही आराम से ये सॉफ्ट हो जाता है। फिर इसे हम थोड़ा सा अभी भून रहे हैं, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करना। तो गाइस बस यहाँ पे जो मसाले मैंने ग्राइंड करके रखे थे उसे मैं ऐड कर देती हूँ। मोस्टली जितना मैंने ग्राइंड किया था सारा मसाला इसमें पड़ गया है क्योंकि मैंने थोड़ा ही ग्राइंड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं मैंने मतलब रोस्ट किया था। और फिर बस इसमें मिर्ची ऐड कर दूँगी। बाकी इसमें जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं जैसे कि हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा क्या होता है उससे कलर अच्छा आ जाता है तो वो ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे सारे मसाले ऐड कर दूंगी, फिर हींग और नमक भी ऐड कर दूंगी। नमक गाइस थोड़ा सा ज़्यादा रखूंगी इसलिए क्योंकि अचार हमारा सेफ रहता है नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखने से। और गाइस बस ये मिक्स कर दूंगी अच्छे से, देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है इस मतलब कश्मीरी रेड चिली पाउडर से। और गाइस जितना एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा था आपको ये देखिए सारा एब्जॉर्ब हो गया इसमें मसाले ऐड करने के बाद। अगर आपको ऑयल और ऐड करना है अलग से तो आप अलग से गर्म करके फिर ठंडा करने के बाद इसमें ऑयल को ऐड कर सकते हैं गाइस, बट इसमें कोई ऐसी नीड नहीं होती है। राम यहाँ की मात्रा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे अभी निष्ठी को होमवर्क करवा रही हूँ, अभी तक इनके होमवर्क ही चल रहे हैं, अभी तक इनके होमवर्क आ रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आज 4 होमवर्क आ गए हैं तो वही मैं इसको भी करा रही हूँ, हिंदी का होमवर्क। ये काव्यू जो खड़ा हुआ है बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करने दे रहा दीदी को, कहीं ये बॉक्स उठा के मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। देखिए ऐसे बदमाशी, ये देखिए ऐसे बदमाशी करता है ये। सब फ्रेंड्स देख रहे हैं, हंसेंगे फिर सारे फ्रेंड्स हंसेंगे कब्बू के ऊपर। देखो राम आखिरी मात्रा, फिर आधा टा टा में नीचे रा लगाओ तो मेरा कैसे बोलते।
कढ़ी पकौड़ी बन गई है टिफ़िन के लिए। सुबह मैंने बना दी कढ़ी पकौड़ी, ये देखिए गाइस। बस इसके लिए भी मैं बनाऊंगी छौंक। तो कढ़ी पकौड़ी तो मेरी तैयार हो गई, और इधर निष्ठी के लिए बन रही है चाउमीन, क्योंकि निष्ठी कह रही थी आज मम्मी पराठा वराठा कुछ मत रखना, आज बस कुछ अलग रखना, कल से ही पीछे पड़ी थी। तो उसके लिए मैंने फिर चाउमीन ये बॉयल कर दी है। उसके लिए यहाँ पे ये पत्ता गोभी वगैरह काट रही हूँ सब्जी फटाफट से। गाइस बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हेडेक हो जाता है, फटाफट से मैं काट लेती हूँ। पत्ता गोभी तो काट ली मैंने, शिमला मिर्च वगैरह थोड़ी थोड़ी काट ली थोड़ी थोड़ी। ये देखिए गाइस बस इसकी जो सब्ज़ी है वो फ्राई कर दी मैंने, बहुत ही पतली काटी हुई थी तो इससे जल्दी से फ्राई हो जाए कर दी है। इसमें बस मैं चाउमीन मिक्स कर देती हूँ। और यहाँ पे सॉसेज मिक्स कर दूँगी, टमाटो केचप वगैरह। तो ये गाइस देखिए इनका तैयार हो गया चाउमीन, तो इनके टिफिन में मैं रख देती हूँ। आज इनको चाउमीन ले जाना था। ठीक से फिंगर से बताओ आइज कहाँ है, नोजी कहाँ है आपकी है? यस वेरी गुड। टीथ टीथ दिखाओ, वेरी गुड। और भाई आपकी टंग कहाँ है, टंग कहाँ, टंग? अच्छा आपके हेयर कहाँ, हेयर हेयर कॉम्ब किधर करते हो आप, कॉम्ब? हाँ यस वेरी गुड, कॉम्ब ऐसे करता भैया। और सुनो फिंगर दिखा दो, फिंगर ये है फिंगर, वेरी गुड। थंब कहाँ है, थंब? ये थंब है, देखो देखो ये थंब, ये थंब है, ये थंब है भैया का, ये थंब है, थंब वाए। अच्छा कौवा बोल के दिखा दो, कबू कौवा कौवा। अच्छा पापा बोलो, और बाबा, बाबा जी, बाबा। और क्या बोलेगा, मम्मी मम्मी, दीदी दीदी दीदी। अच्छा बोलो नैनू नैनू, नानू नानू नानू। और ताऊ जी बोलो, ताऊ जी, ताऊ जी बोलो, ताऊ जी, ताऊ जी। तो गाइस बस ये थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता हूँ, जो वर्ड सुनता है एकदम से उसके अचानक मुंह से निकलता है तो तुरंत बोलेगा, जब हम बुलाएंगे नैनू को तो नैनू नैनू नैनू। तो बस थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है अब, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, मतलब तुरंत सुनता, तुरंत मतलब बोलने की कोशिश करता है वो। मुझे लग रहा था कि कैसे बोलेगा क्योंकि काफ़ी लेट बोला ही, मतलब अभी इसने शुरू किया है 10-15-20 दिन से बोलना, तो अब लेकिन बोलने लगा है। ये 2 साल तक होगा तो शायद बोलने लगेगा, 2 साल का जब पूरा होगा। मुझे टेंशन हो रही थी ये बोलेगा कैसे कैसे बोलेगा क्योंकि लेट हो गया। चलिए गाइस हम कबू को हलवा बना के खिला देते हैं, शाम क्योंकि हो गई है। कबू हलवा खाओगे? हलवा खाएगा भैया? तो चलिए फिर इनको हलवा खिला देते हैं। और गाइस मैं बस हलवा इसका बना देती हूँ रागी के आटे का। एक्चुअली रागी का आटा बच्चों के लिए अच्छा रहता है, तो मैं रागी का आटा और थोड़ा सा जो सूजी होता है थोड़ी सी वो मिक्स करके, रागी का आटा ज़्यादा लेती हूँ, तो बस मतलब तुरंत ही फ्राई करके और तुरंत बना देती हूँ। तो बस वही अभी खिला देती हूँ इसको बना के थोड़ा सा, क्योंकि जो है शाम का टाइम है अभी लगभग 5:30 बजे। चलती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय। कबू बाय कर दो, बाय बोलो, बाय।